मोसाद इसराइल की ऐसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने अपने ऑपरेशंस के जरिए पूरी दुनिया में अब सबसे बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी का तमगा हासिल किया। कई सारे ऐसे क्लीन ऑपरेशन किए जो कि आज तक नज़ीर बने हुए हैं और उसको लेकर कई सारी हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनी हैं। कई सारे ऐसे ऑपरेशन हैं, सबका तो गिना पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिनको लेकर मोसाद की कैपेबिलिटी पर कह सकते हैं कि एक तमगा दिया जाता है कि उनकी कैपेबिलिटी सबसे बेहतर है। पहला 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जो मैसेकर हुआ, उसके बाद जितने भी आतंकी थे उन सबको चुन चुन कर मोसाद ने मारा। साथ ही 1976 में एयर फ्रांस के एक फ्लाइट जो कि तेल अवीव से पेरिस जा रही थी, उसको बीच में ही हाईजैक करके युगांडा ले जाया गया और वहां से कैसे उन्होंने 106 जो ज्यूज थे जिनको कि युगांडा में उन आतंकियों ने हाईजैक करके अपने पास रखा हुआ था, उन लोगों को छुड़ाने के लिए महज 90 मिनट का एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया गया जिसका नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट रखा गया था। तेल अवीव से 4000 किलोमीटर दूर जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 102 जो लोग हैं इसराइल के उनको वहां से छुड़ा के लाया गया और वो साथ ही जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त युगांडा की एयरफोर्स को भी खासा नुकसान पहुंचाया। तो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने में इसराइल की मोसाद वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि जब हमास ने अटैक किया तो वो अटैक को क्यों नहीं वो पढ़ पाए। सवाल कई सारे उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मोसाद के पास अब वो कैपेबिलिटी नहीं रही, या फिर उनकी कैपेबिलिटी को उन्हीं की कमजोरी बनाकर जो एडवर्सरीज है उसके, खासतौर पे कि मोसाद का एडवर्सरीज या फिर फिलिस्तीन या फिर हमास, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूंकि पैराग्लाइडिंग, जो कि नॉर्मली किसी ने इस तरीके की आशंका नहीं जताई चाहिए थी कि पैराग्लाइडिंग के जरिए भी कोई एक्शन या कोई ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इस बार हुआ। किस तरीके से गाज़ा से उड़ते हुए पैराग्लाइडिंग के जरिए आए आतंकी हमास के और उसके बाद अटैक किया, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि गाज़ा जो है वो इस तरीके का पैच है जहाँ पे एक भी एक्टिविटी होती है तो उसकी नज़र इसराइल की, उस पर नज़र इसराइल की होती ही है। लेकिन ये उनकी आंखों से कैसे रह गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस जगह पर पैराग्लाइडिंग के जरिए अटैक का एक बड़ा प्लान जो कि पाकिस्तान रच रहा था, उसको भारतीय एजेंसीज ने किस तरीके से फॉइल किया, किस तरीके से उसको नाकाम किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि पाकिस्तान और लश्कर ये इस तरीके के और भी कई सारे अटैक्स कर सकते हैं। तो 2010 में एजेंसीज को एक ऐसा ट्रांसक्रिप्ट मिला जो कि ये बता रहा था कि जो लश्कर है वो कुछ ऐसे इक्विपमेंट की खरीद कर रहा है यूरोप की कंट्री से जिसका इस्तेमाल वो पैराग्लाइडिंग के जरिए, जिसका इस्तेमाल वो एरियल अटैक के जरिए वो कर सकते हैं। जब ट्रांसक्रिप्ट समझ में आया, जब उसको नज़र आया कि ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत घातक सा प्लान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है, वो प्लान था पैराग्लाइडिंग प्लान, यानी कि पैराग्लाइडिंग के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की एक साजिश लश्कर ने 2010 में ही रच ली थी और उसके चलते बाकायदा खरीदारी भी शुरू हो गई थी। अगर रिपोर्ट्स की माने, खुफिया एजेंसीज की माने, तो 50 के करीब ऐसे पैराग्लाइडिंग किट खरीद के लिए लश्कर ने यूरोप की कंट्रीज के साथ संपर्क जताया था, संपर्क बनाया था और उसके बाद वो खरीद भी हुई। लेकिन उसी वक्त जब पहले दो ऐसे इक्विपमेंट, चूंकि स्पेन से ये पैराग्लाइडिंग किट खरीदी जा रही थी, जब एजेंसीज को, भारतीय एजेंसीज को इस बारे में भनक लगी तो उस पर ऑपरेट करते हुए प्रेशर बिल्डअप किया गया। तो सिर्फ दो ही ऐसे पैराग्लाइडिंग किट की जानकारी है जो कि उनको मिली थी, वो भी ट्रेनिंग पर्पस से, बाकी की किट्स जो है उनको नहीं मिल पाई, इस तरीके की जानकारी है। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके उस बड़े किसी हादसे को अंजाम देने से पहले ही उसको ज़मीन पर ही जो है, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया, ये दिखाता है कि हम लोगों ने, भारत ने 26/11 के बाद से किस तरीके से हर तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट को किस तरीके से हम उस पर एक्ट कर रहे हैं वो ये साफ जता रहा है। और जैसे ही ये पता लगा कि इस तरीके का कोई एरियल टारगेट या अटैक करने की फिराक में लश्कर है, तो उसको देखते हुए उस वक्त बाकायदा एडवाइजरी तक जारी की गई थी, अलर्ट तक जारी किया गया था कि इस तरीके से एरियल अटैक के जरिए टारगेट करने की फिराक में पाकिस्तान की तरफ से है। और उसके बाद जब इस 26/11 में कई सारी गिरफ्तारी हुई, तो उस गिरफ्तारी में
अबू जिंदल नाम का एक आतंकी पकड़ा गया था जो कि मास्टरमाइंड था 26/11 का, एक मास्टरमाइंड वो भी था 26/11 का। उसके इंटरोगेशन में इस बात की जानकारी मिली कि लश्कर ने अपने कुछ आतंकियों को इस पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी है, और ट्रेनिंग किसने दी है, ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने, और उसके बाद किस तरीके से इसको प्लान आउट करना था ये सारी जानकारी वहाँ पे दी गई थी। तो ये तस्दीक हो गई थी कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से उस पैराग्लाइडिंग की खरीद और उसके बाद उसको किस तरीके से निष्क्रिय किया, ये बताता है कि हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग में अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया था। और वहीं अगर हम आज मोसाद की बात करें तो वो मोसाद यानी कि 2010 के बाद से लेकर अब 2023 में भी अगर वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाए, इसका मतलब है कि उनके एंड पर फेलियर ज़रूर था। अब फेलियर किस तरीके से, क्योंकि टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात करें तो मोसाद से बेहतर टेक्निकल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो सिस्टम है वो सिर्फ अमेरिका के पास है, बाकी सारी दुनिया के पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी अगर गाज़ा पट्टी में होती है तो उस पर इज़राइल की नज़र रहती है, इज़राइल के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों की भी नज़र रहती है कि वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। अब अगर पैराग्लाइडिंग के जरिए आतंकी हमला करना था तो जाहिर सी बात है कि अगर वो वहाँ पे ऑपरेट करते, वहाँ ट्रेनिंग होती तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता था क्योंकि सबकी नज़र में पड़ता। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि मोसाद और जो इसराइल की नज़र से बचाते हुए ये जो ट्रेनिंग, हमास की जो ट्रेनिंग हुई है, ये ट्रेनिंग जो गाज़ा पट्टी है उसके बाहर किसी जगह पे हुई है जो कि कहीं किसी को भी भनक तक नहीं लगी। बाकायदा एक वीडियो तक हमास की तरफ से जारी किया गया था कि किस तरीके से पैराग्लाइडिंग के जरिए वो ट्रेनिंग अपने आतंकियों को दे रहा है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हमास ने एक कमज़ोरी, शायद जो कि जानकार मानते हैं कि एक कमज़ोरी जो है जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी वो कह सकते हैं कि एक बैकबोन था, इंटेलिजेंस यानी टेक इंटेलिजेंस, जो कि वो उसी के ज़रिए अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देता था, तो उसको कैसे नल एंड वाइट किया जाए। शायद इसी वजह से एक भी जानकारी नहीं निकली जो कि मोसाद पकड़ सके कि इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा अटैक हमास उनके ऊपर करने वाला है। तो इसका मतलब तो साफ है कि टेक्निकल एंड जो कि उसका एक मेजर स्ट्रॉन्ग हैंड है, उसको इस बार हमास ने एक तरफ दरकिनार करके दूसरा ही कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जो कि कोई भी ऐसा जो ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं या अटैक की डिटेल्स है वो लीक ना हो। इंट जो है, ह्यूमन इंट, शायद इसराइल ह्यूमन इंट पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता, हालांकि पहले भी इतना ज़्यादा नहीं रखता था, लेकिन उसके एजेंट्स हर जगह होते थे, लेकिन गाज़ा में उसका एजेंट होना ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई वहाँ भी उनके एजेंट्स होंगे, लेकिन वो भी इस तरीके के चीज़ों को भाप नहीं पाए और जिसकी वजह से ये हालात यहाँ पे बने और ये अटैक हुआ और उसके बाद इस तरीके का बड़ा युद्ध इस वक्त चल रहा है। तो जिस मोसाद की बेहतरीन क्लीन ऑपरेशंस पर फिल्में तक बन गई हैं, अब वो मोसाद अपने लिए यानी कि अपने नाम के लिए, अब अपने काम के लिए अब तरस रहा है, क्योंकि जो नाम बनाया था वो हमास ने एक मिनट में ही मिट्टी कर दिया। और इसके बाद ये मैसेजिंग ज़रूर जा रही है कि जिस तरीके का ऑपरेशन किया गया, सोच भी ये आने लगी है लोगों के दिमाग में कि जब इसराइल को वो लोग इस उनकी एजेंसीज़ को वो शेडो कर सकते हैं, तो ऐसे में इस तरीके की चीज़ें बाकी एजेंसीज़ जो कि दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसीज़ हैं उनको भी इस तरीके की सामना करना पड़ सकता है। तो कई सारे कंटेंजेंसी प्लान जाहिर सी बात है कि इस वक्त अपना लिए गए होंगे, हर एजेंसी, हर दुनिया के हर देश की एजेंसीज इस पर ज़रूर काम कर रही होगी कि आखिर इस तरीके की एक्टिविटी हो गई और किसी को पता भी नहीं लगा, क्योंकि ग्लाइडर के ज़रिए हमला वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ज़रूर हुआ होगा, लड़ाई लड़ी गई होगी, लेकिन अब इस वक्त टेक्निक की लड़ाई में यानी तकनीक की लड़ाई में इस तरीके का एक पुराना रास्ता चुनना, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर ये अटैक को करना, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत ने मोसाद की सोच से पहले ही भारत में किसी भी तरीके की ऐसी आतंकी घटना जो कि ग्लाइडर्स के जरिए, पैराग्लाइडर्स के जरिए अंजाम दी जा सकती थी, उसको पहले ही भापते हुए, उस पर पहले ही एक्ट करते हुए उसको पनपने से पहले ही जमींदोज कर दिया।